हेलो चिल्ड्रन, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 3 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से तोता का चित्र बनाना सिखाएंगे, यानी पैरेट का चित्र। प्यारे बच्चों, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको जो है 3 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से तोता का चित्र बनाना आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पहले आप 3 लिख दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा प्यारे बच्चों। और आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको जो है पैरेट की स्पेलिंग आती है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जो है पैरेट की स्पेलिंग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखना होगा। देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए। पॉइंट लगाने के बाद अगर आप वीडियो को केवल देख रहे हैं तो देखिए मत, आप जो है जल्दी से पेपर और मार्कर उठा लीजिए और मेरे साथ ड्राइंग बनाना शुरू कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ से आपको करना क्या है, इसको हमें जो है ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना होगा, बहुत ही आराम से ले जाइएगा। यहाँ पर ऐसे पहले तो एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया हमारा हाफ सर्किल। 3 लिखिए, फिर यहाँ से ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों, अब आप हमें जो है टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाइए और आप हमें जो है टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं प्यारे बच्चों। 3 लिखने के बाद अब देखिए हाफ सर्किल हो गया हमारा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, इसको हमें जो है ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा, जैसे हम 9 बनाते हैं इसी तरह आप यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ ले जाइए और बहुत ही आराम से हाफ सर्किल का शेप देते हुए ले जाइएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक ऐसे ले जाकर यहाँ पर ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा, अब देखिएगा इस 3 को हमें जो है ऐसे अंदर की तरफ मिला देना होगा। अंदर की तरफ मिलाने के बाद अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखा देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिए जो 3 का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे ऐसे ले जाइए हाफ सर्किल का शेप देते हुए, यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर इसको हमें जो है ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ बहुत ही आराम से ले जाइएगा। जल्दबाजी मत करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दबाजी करते हैं तो उनका गलत भी हो सकता है। आप ऐसे नीचे की तरफ ले जाते हुए यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ मिला दीजिएगा। ऊपर की तरफ मिलाने के बाद अब देखिएगा यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे 3 लिखना है, एक 3 और लिखिए, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी ऐसे 3 लिखते जाइए, यहाँ पे ऐसे मिलाते जाइए। फिर इसके बाद एक बड़ा सा आपको छोटी, मतलब इससे जो है थोड़ी सी बड़ी लाइन ड्रॉ करना होगा, इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए, यहाँ पे भी ऐसे मिलाइए और इसे रिपीट करते जाइएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको जो है हमें एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करना होगा, फिर इसको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर ऐसे मिलाते जाइएगा, यहाँ पर ले जाइए। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों इसको भी ऐसे और अंदर की तरफ ले जाना है, यहाँ से हमारा बन जाएगा पैरेट का ये पीछे वाला जो पंख होता है प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो गया, अब देखिएगा इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसे छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद एक सीधी सी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और हम इस पैरेट को जो है एक ब्रांच यानी कि एक ट्री की डाली पर इसको बैठा देंगे। बैठाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाइएगा, एक ऐसे लाइन हाफ सर्किल ड्रॉ करिए, फिर इसके बाद इसको ऐसे अंदर की तरफ ले जाइएगा। फिर यहाँ पर बीच वाले हिस्से से आपको ऐसे मिला देना होगा। यहाँ तक हो गया हमारा, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों एक ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ करिए, एक पूरा सर्किल ड्रॉ कर दीजिएगा, फिर इसको हम मार्कर के ऐसे ब्लैक कर देंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह हम ऊपर की तरफ यहाँ पे भी बना देंगे। अगर आप इस पैरेट को कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, चाहे तो पेंसिल से शीट भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यह हमारा पैरेट का चित्र बन के तैयार हो गया है।